मैंने उन लोगों को बुलाया था, क्या सबूत है इस बात की? अरे सबूत, मुझे सबूत इकट्ठे नहीं करने, हमारी बात हुई, सबकी बात हुई, एक दूसरे से बात हुई, बात चल रही थी, एडवोकेट से भी बात हुई थी, तुमसे भी होगी, बात की रिकॉर्डिंग होगी, कॉन्टेक्ट में होगा कि मैंने फोन करके बुलाया है। मुझे आप जैसे झूठे से, सुनिए सुनिए, इतना कुछ हो जाने के बाद भी जो ये झूठ झूठ बात कह रहे हैं, कोई सर पैर नहीं है, कोई फायदा। अच्छा नहीं चलो ठीक है, ठीक है, जो चीज है खत्म है, ठीक है। फिलहाल फिलहाल फैमिली का क्या करना है? मैं अभी क्या करना है, दुनिया के सामने आओ, पूरा दुनिया के सामने आओ, अपनी गलती स्वीकार करो और माफी मांगो, फिर कुछ नहीं, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसी तरह से कमिटमेंट करना होगा हमेशा, आपको लिखित देना होगा कि गंदगी कभी नहीं करोगे, जो एक हस्बैंड का फर्ज है वो निभाओगे, जो बीवी की इज्जत है वो दोगे। ये चीज अब खत्म कैसे होगी, अब ये बताओ मुझे, तो पूरे देश के सारा चीज समझे, अब तो ये हो गया, अब ये फैमिली कैसे बचेगी, कैसे होगी, कैसे साथ रहेगी, क्या क्या होगा क्या अब इसका? ठीक है, वो तो बात को सोचना ही है, क्या होगा ये तो मैंने पहले भी आपको बार बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि जो ये गंदगी मैंने दुनिया के सामने दिखाई है वो आपने करा है, हाँ या ना? नहीं भाई, ये ऐसे जो तुमने किया है ये सही किया है तुम्हें, जो तुम्हें लगता है ये सब? आपने जो ये गंदगी किया है, हाँ या ना? नहीं, ये सब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो फिर मेरे से वही मैं कह रहा हूँ, तुम फैमिली के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही हो। अरे तो फिर जब आप गलत किए नहीं है तो आप क्यों फैमिली के बारे में सोच रहे? सामने बैठ के बात करो फिर, आप लायक हो सामने बैठ के बात करने की? आप जैसा गंदा घटिया और जाहिल और बेवकूफ इंसान, आप लायक हैं आप बात करने के? हसीन, मैं ये, तो आपका फोन, नहीं, मैं आपको तक नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई मारी कि देखूं घटियापन का कौन हद में अभी तक है आप, लेकिन ना वही हद में है, हद नहीं गई आपकी। चलिए कोई बात नहीं, आपको भी आप मतलब हम फैमिली के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग प्यार वाली बात कर रहे हैं, और तुम अभी घटिया और उसमें ही पड़ी हो। जाने मन, प्यार किसे कहता है पता है? एक औरत का विश्वास को प्यार कहता है। मैंने आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं की, लेकिन आप जब 10 औरत के साथ सो गए, यानी प्यार कुछ नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि प्यार कुछ नहीं था। जब मेरे होते हुए, मैं बीवी, निकाह की हुई बीवी आपकी, जब होते हुए जब दूसरी लड़की को छू लिया, तो प्यार कहाँ रह गया फिर? अगर प्यार रहता तो ये नहीं करते।